हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम राखी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी वाइट कलर का फैब्रिक, पेंसिल, स्केल, कैनवास, सीज़र, फैब्रिक ग्लू, रेड फैब्रिक कलर, रेड कलर का ऊन, ये मोती की लेस और ब्रश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर का फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर स्केल रख के हम 1.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें लेंथ 1.5 सेंटीमीटर लेनी है। तो ये अब हम यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ भी सेम इसी तरह से। अब हमें ऊपर से 1/2 सेंटीमीटर लेना होगा और नीचे से 1/2 सेंटीमीटर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हमें यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के ओम नमः शिवाय ऐसा लिखना है। आप चाहे तो दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिख रही हूँ। अब हमें यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा फाइनल रेक्टेंगल तैयार है और बीच में मैंने ओम नमः शिवाय लिखा है। अब हम इस ओम नमः शिवाय को रेड फैब्रिक कलर से लिखेंगे और 0 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मैं यहाँ पे इसे इसी तरह से पेंट कर दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ओम नमः शिवाय लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये मोती की तुई लेंगे और ये जो लास्ट वाली वाली हमारी लाइन है, यहाँ पे चारों साइड इसे फैब्रिक ग्लू से लगा देंगे। तो ये देखिए, चारों साइड मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी। अब हम इसके बाजू में ये रेड थ्रेड लगाएंगे इस तरह से। वो भी हम फैब्रिक ग्लू से ही लगाएंगे, ये जैसे मोती की तुई लगाई थी बिल्कुल वैसे ही।
इसको लास्ट में यहाँ से कट कर देंगे। अब हम एक और बार मोती की तुई लगाएंगे, जो अंदर लगाई थी बिल्कुल वैसे ही बाहर की ओर। अब हम यहाँ से कट कर देंगे, तो ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम ये थ्रेड लेंगे और अप्रोक्सीमेटली हमारे हाथ का नाप लेके इस तरह से थोड़ा बड़ा रख के इसे डबल कर देंगे और इसे डबल फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो ये इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से कट कर लेंगे। और अब हम इसे एक साइड से गांठ बांध लेंगे पहले। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे टर्न करते जाएंगे। और लास्ट में यहाँ भी गांठ बांध देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी राखी की थ्रेड तैयार है। अब ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसे कट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए, ये कट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हम कैनवास लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको कैनवास के ऊपर रखेंगे और ये साइज़ का रेक्टेंगल ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कैनवास कट कर लिया है। अब हम इसको कैनवास के ऊपर ऐसे लगा देंगे फेविक ग्लू से। अब हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसको ये थ्रेड जो हमने बनाया था उसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए हम इसे बैक साइड करेंगे और इसका सेंटर लेंगे
थ्रेड का और सेंटर को यहाँ बीच पे रख के इस तरह से हम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा जो कैनवास था वो लगा देंगे। अब हम इसे ड्राई होने देंगे। तो ये मेरी राखी अब तैयार है, ये देखिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।